अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आ चुके हैं, और जो बंदे रिपेयरिंग नहीं सीखना चाहते वो इस वीडियो को स्किप करके चले जाएं, ठीक है। तो जो लोग रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट वीडियो देखें, स्किप मत करें, ठीक है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह रिपेयरिंग की जाती है और कार्ड को किस तरह रिपेयर करेंगे और कीपर डिस्प्ले वगैरह ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को कम्प्लीट देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। तो रिपेयरिंग करने से जो सबसे पहला स्टेप है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बंदे की मेरे पास कॉल आई कि भाई आप लोग ये चाइना का जो स्केल है वो सेट करते रहते हो और कोई ऐसा स्केल नहीं है जो आप नहीं सेट करते। देखिए, मैंने सोचा था कि जब मेरा चैनल ग्रो करेगा उसके बाद मैं चैनल को आगे बढ़ाऊँगा और देखूँगा कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी पोजीशन है जो जिस तरीके से मैं लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो अभी मैंने देखे हैं जिनकी दिलचस्पी यहाँ पर है तो मैं उनके नंबर चॉइस करूँगा, और 10 ऐसे मेंबर हैं जिनको मैं रिपेयरिंग का काम मुकम्मल सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहली और आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब इस वीडियो को कम्प्लीट देख कर, और कम से कम आपको 5 ग्रुप में इसको शेयर करना है। जो बंदा शेयर करेगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर और नाम भेजेगा, मैं उसका अपने एक ग्रुप बना रहा हूं, उसमें शेयर ऐड करूंगा, उसको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में उसको रिपेयरिंग की सिखाऊंगा किस तरह रिपेयरिंग कर किए जाते हैं कांटे। सो छोटा सा टेलर मैं इसमें आप लोगों को बताता चलता हूँ कि रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और उस बंदे ने जब मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आप मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मैं ना कर सकूं, मैंने उससे पूछा कि आप कोड चेंज कर सकते हैं, उसने कहा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं बोला करके बताएं किस तरीके से करते हैं, फिर उसको नहीं आया। उसके बाद फिर उस बंदे ने मुझसे 2-3 सवाल और पूछे, मैंने उनको जवाब मुख्तसर दिए क्योंकि मैं जानता था कि उसको ख़ुद को रिपेयरिंग आती नहीं है, लेकिन मुझसे सवाल कर रहा था कि रिपेयरिंग किस तरह करते हैं। तो जिस तरीके से ये मैंने आपके सामने दो कांटे रखे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको इनका कोड चेक करके चेंज करके बताऊंगा कि इसका कोड, इनका कोड किस तरीके से चेंज होता है, और आप भी इसका कोड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इनका कोड मालूम नहीं है कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर रह जाएं। कोई भी चाइना का स्केल है, ओमेगा का है, एक्यूरेट का है, नोबेल का है, स्मार्ट कोरिया है, जो भी स्केल है उसका कोड अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ईज़िली उसका कोड जान सकते हैं कि इसका कोड पहले क्या था। उसके बाद आप उसमें चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोड लगा सकते हैं, जो मर्ज़ी का कोड आप लगाना चाहें आप उसमें अपनी मर्ज़ी का कोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे मैंने दूसरा सवाल ये किया कि आपको लोड सेल रिपेयरिंग करना आता है, तो उसने कहा कि हाँ मुझे लोड सेल रिपेयरिंग करना आता है। फिर उस बंदे ने कहा कि मुझे लोड सेल रिपेयर करना आता है। मैंने बोला ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इसका डायाग्राम क्या होता है, डायाग्राम की मुझे एक पिक्चर आप भेज दें, मैं समझ जाऊँगा कि आप कोई उस्ताद हैं। तो फिर उस बंदे ने नाटक करना शुरू कर दिया, बोला कि यार साहब इधर आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं, मुझसे सीख लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, मतलब कि आप खुद समझते हैं कि उसने इधर उधर बात घुमाना शुरू कर दी। उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपको कोड चेंज करने का एक छोटा सा क्लिप भेज रहा हूँ, आप देख लें, उसके बाद मुझे आप बताएं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की जो डेट है 24 तारीख है, ठीक है। तो इनका कोड, अभी इसका कोड मैं एंटर कर रहा हूँ आपके सामने, आप कोड देख कर समझ जाएँगे जो रिपेयरिंग का काम हल्का फुल्का करते हैं, ठीक है। तो कोड ज़्यादातर कौन सा आता है, 3658 टेयर, ये नहीं लगा तो 858618 ये लग गया है। देखिए आपने हाफ पॉइंट आ गई आपके सामने, मतलब इसने कोड एक्सेप्ट कर लिया। एक का बटन दबा के टेयर का बटन दबाया मैंने, तो ये आपके सामने सेटिंग स्टेप 2 में आ गया, और सेटिंग ये देखिए आप ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको बंद करके फिर से खोलता हूँ, और इसका कोड जो है ये देखें, इसका कोड मेंटर का 3658 टेयर नहीं लगा, 581085 और ये देखें इसका कोड लग गया 8518, ठीक है। तो अभी इनका कोड जो आपके सामने मैंने एंटर किया, इसका 8618 और उसका 8518, ठीक है। तो इनका कोड यही आपके सामने मैंने एंटर किया है, तो अभी इनका कोड मैं चेंज करके दिखाऊंगा। जिस तरीके से आज कौन सी तारीख है, 24 तारीख है, और कौन सा महीना चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है, ठीक है। तो 24 तारीख और चौथा महीना ये मैं दोनों इसमें सेंड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कोड आपको मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो तारीख साल चल रहा है 2023, एक में मैं सेटिंग, इसमें मैं सेटिंग कर रहा हूँ 2023 की 2023, ठीक है, ये कोड इंटर कर रहा हूँ, और इसमें मैं डेट लगा रहा हूँ कौन सी वाली, 24/2/5/04, ठीक है, ये कोड मैं इन दोनों में इंटर कर रहा हूँ।
तो ये कोड एंटर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इनका कोड एंटर कर सकते हैं। तो मैं इसका कोड चेंज कर रहा हूं, उसके बाद आपको मैं इसका कोड दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका कोड चेंज किया जाता है। ये देखें 24.04 हो गया। अभी इसका कोड आप देख लें, ये देखें मैंने बंद कर दिया, अभी मैंने इसको ऑन किया है, ये आपके सामने ऑन हो रहा है। ये देखें बिल्कुल ऑन हो चुका है, बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन में। और अभी मैं दूसरा इसका भी कोड चेंज कर रहा हूँ 2023। ठीक है, तो इसका कोड मैंने 24, ये देखें 24.04, मतलब ये मैंने एंटर किया, देखा कोड इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं इसका कोड दूसरा वाला एंटर करूँगा जो मैंने पहले इसका एंटर किया था। कौन सा वाला एंटर किया था? 86.18। ठीक है, ये देखें 86.18, ये भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 86.18 भी एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा कोड इसने कौन सा एक्सेप्ट के लिए कर लिया है? 24.04। और इसका कोड मैं अभी आपके सामने एंटर करवा रहा हूँ, कौन सा वाला? 2023 2023 टेयर, ये देखें इसने एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें पहले कोड था 86.18, ये भी इसने देखें एक्सेप्ट कर लिया। तो देखें डबल डबल कोड इसमें मैंने खुद एंटर किए हैं। तो इसी तरीके से अगर दूसरा कोड एंटर करना है, जिस तरीके से कल कौन सी तारीख होगी? 25 तारीख होगी। ठीक है, तो 25 तारीख का इसमें मैं आपके सामने, ये देखें इसके सामने शो करवा रहा हूँ। ये देखें 25.04, ये देखें नहीं ले रहा। ठीक है, 25.04 नहीं ले रहा। तो ऐसे करते हैं, इसको इसका कोड रख देते हैं 2024, ये भी ये नहीं ले रहा, ये आपके सामने इसका 2024 रख रहा हूँ मैं। और इसका कोड रख रहा हूँ मैं, एक मिनट, इसको भी मैं ऑन कर रहा हूँ। इसका कोड मैं रख रहा हूँ कि 20.25, ये देखिए नहीं ले रहा। ठीक है, तो मैं इसका कोड चेंज करूँ, फिर इसका कोड चेंज करके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से इसका कोड चेंज किया जाता है। इसका कोड कौन सा रखना है? इसका कोड रखना है कि 25.04। और इसका कोड कौन सा रखना है? इसका कोड रखना है आपके सामने, इसका सबसे पहले कोड भी कौन सा था? 20.23 था ना? हाँ, ये इसका कोड है। तो अभी इसका कोड मैं एंटर कर रहा हूँ, कौन सा वाला? के 20.25, ये नहीं लग रहा। अभी इसका कोड ये लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसका कोड मैंने रख दिया है 20.25, ये देखें एक्सेप्ट कर लिया, पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अभी इसका कोड मैंने ये रखा, और इसका कोड मैंने रखा है 25.04 नहीं, इसका कोड मैंने रखा है कौन सा वाला? अच्छा, इसका कोड मैंने 25.04 रखा है। तो आपके सामने मैंने मिलाया नहीं लगा, लेकिन दोबारा मैं आपके सामने, ये देखें 25.04 मिला रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने ये कोड लग गया। तो इसी तरीके से अगर इनका कोड चेंज करना है, वो किस तरीके से चेंज करना है, और इसका कोड मालूम कैसे करना है, किस तरीके से शो करवाना है, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और रिपेयरिंग का जो कोर्स है, मुकम्मल कोर्स आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो मुकम्मल देखकर और शेयर करें, जितना जो बंदा शेयर करेगा उसको मैं कोर्स सिखाऊंगा, और उसका मैं अपने फेवरेट कॉन्टेक्ट में नंबर रखूंगा। जो भी कभी भी उसको सवाल करेगा मुझसे, उसको मैं बताऊँगा। कभी भी कहीं पर भी उसको दिक्कत आ रही है कि उस्ताद मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ समझ नहीं, जो भी चीज़ उसको समझ नहीं आएगी मैं उसको कम्प्लीटली बताऊँगा। ठीक है, जहीं कहाँ भी जा रहा है रिपेयरिंग करने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ उस्ताद रिपेयरिंग करने के लिए, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इस कांटे की कैलिब्रेशन किस तरीके से करते हैं, ये कांटा अप डाउन कर रहा है, इस अप डाउन का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका मसला अगर आप लोगों को चाहिए तो उसका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सेंसर में अगर कोई चूहे वगैरह काट देते हैं, खराबी आ जाती है, स्ट्रिंग गेज किस तरीके से लगाते हैं, और उसके जो डायग्राम की जो सेटिंग है, वैल्यू के रजिस्टर की कौन सी होनी चाहिए, जो भी आपको सवाल हो, कम्प्लीटली सवाल आपके आपके सामने होंगे, जो भी सवाल हो। और लाइव भी मैं उसके सामने आऊँगा कि मुझे जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये खुसूसन उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं। मेरे पास कॉल्स काफ़ी आई हैं, अभी मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से लोग हैं जो मेरे लिए थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं, ताकि मैं भी उनको समझाऊं, उनके लिए हम भी हेल्प करें।
और जिन भाइयों को इन चीज़ में दिलचस्पी नहीं है वो शेयर ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अभी ग्रो हो चुका है और मुझे अभी किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर मज़ीद काम करूँगा, लेकिन मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँगा जो हमारे तरजीह देते हैं और जो हमें अहमियत देते हैं, जो सिर्फ़ अपने काम के लिए आते हैं और अपना मखसूस एक चीज़ देख कर स्किप करके चले जाते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि वो ये वीडियो देखे भी ना और शेयर भी ना करें तो बेहतर, क्योंकि कुछ सीक्रेट ही है जो हम YouTube पर शेयर नहीं करते, क्योंकि वो अपने पास रखते हैं, अपने उन शागिर्दों को बताते हैं वो हुनर जो हुनर उनके पास होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ शेयर YouTube पर शेयर नहीं होती। और वो चीज़ मैं सिर्फ उन लोगों को बताऊंगा जो लोग ये मेरी वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो शेयर करोगे, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दोगे, इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। बहुत सारे इलाकों से मेरे पास कॉल्स आती हैं, उन सबको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब फटाफट उसी टाइम पे दूं। अगर उस टाइम पे नहीं दे सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी मसरूफियात में हूँ, तो नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर मैं रिप्लाई दूँगा। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो मुझे अभी जहन में नहीं आ रहे कि कितने कितने सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो वो सवाल अगर आप ख़ुद मुझसे पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सारे भाइयों के लिए जुम्मे वाले दिन तकरीबन दोपहर नमाज के बाद, जुम्मे नमाज के बाद मैं लाइव भी आऊँगा और उनको मैं लाइव भी इन सवाल और क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें, इसको शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, ताकि मुझे पता चले कि किन किन दोस्तों की दिलचस्पी है रिपेयरिंग सीखने में, लेकिन जो मतलब रखते हैं छोटा सा स्किप देखकर और काट देते हैं, उनके लिए माजरत है कि आप ना आए, इस वीडियो को शेयर ना करें, आपकी मेहरबानी। अगर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो उन दोस्तों से, उन मेरे शागिर्दों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, अपने उस्ताद का कहना माने जो इस वीडियो से हेल्प उठाते हैं मेरी वीडियो से, तो आगे भी मैं उनकी हेल्प करूं जो हमारी वीडियो से हेल्प उठाते हैं और हमें मानते हैं अपना उस्ताद, कहते हैं कि हमने आप लोग आपकी वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल किया है। जिन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया भाई, उनको अल्लाह खुश रखे, वो अपने पास रहें, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।